हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने शालिग्राम जी का श्रृंगार किस तरह से करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरे पास जो शालिग्राम जी है उनका कुछ भी मेकअप नहीं हो रखा। पहले मैंने किया था, पर अभी मैंने वो बिल्कुल साफ़ कर दिया है और मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से करती हूँ। तो देखिए, मैं इन कलर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप परमानेंट मेकअप करना चाहते हो तो आप इसकी जगह एक्रेलिक कलर का यूज़ कर सकते हो या फिर ऑयल पेंट भी ले सकते हो। और अगर आप लोगों के पास ये वाले कलर नहीं है तो आप रेड कलर की जगह ये सिंदूर, जो लिक्विड सिंदूर होता है, वो ले सकते हो, चंदन के साथ कर सकते हो। तो ये पूरी तरह आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह का मेकअप करना चाहते हो, मतलब किस चीज़ से आप मेकअप करना चाहते हो। और मेकअप करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ नहीं करूँगी, मैंने ये स्टिक्स ली हैं। और ये अगरबत्ती की जो लास्ट की स्टिक बच जाती है तो वही स्टिक मैंने ली है। और थोड़ी सी हमें रुई की ज़रूरत होगी। तो देखिए, इस स्टिक के ऊपर ना हमें बिल्कुल ज़रा सी रुई को लपेट लेना है और इसी स्टिक का यूज़ करके हम शालिग्राम जी का जो मेकअप है, श्रृंगार है, वो करेंगे। तो मैं इसी तरह की ना 3 से 4 ये स्टिक तैयार कर लूँगी ताकि हर कलर के लिए मैं अलग अलग यूज़ कर सकूँ, कोई भी कलर मिक्स ना होए। और अगर आप ऑयल पेंट या एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रहे हो, आप उनसे मेकअप कर रहे हो, तो आप इन स्टिक का यूज़ मत कीजिए। तब आप जो पेंटिंग ब्रश होते हैं आप उनका यूज़ कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे शालिग्राम जी की आइज़ बनाऊंगी और ये मैं येलो कलर से बना रही हूँ। और आपको दिख रहा होगा इसमें कि हल्की हल्की सी पहले से ही बनी हुई इसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने पहले मेकअप किया हुआ था। के बाद ये अच्छे से बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ तो थोड़ा थोड़ा सा नीचे रह गया है, तो मैं उसी के ऊपर ही जो शालिग्राम जी का मेकअप है वो कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं आईज़ बना दूंगी। पहले मैं सिंगल कोट कर रही हूँ और सिंगल कोट के बाद मैं इस पर एक कोट और करूँगी। तो ये मैंने ड्रॉ करने के लिए हल्का हल्का सा कर दिया है और इसके बाद मैं एक एक कोट और करूँगी इसके ऊपर। तो देखिए, यहाँ पे डबल कोट हो चुका है। इसके बाद हम शालिग्राम जी का तिलक बनाएंगे और ये भी मैं येलो कलर से बना रही हूँ। बाहर की तरफ हम येलो कलर लगाएंगे और अंदर इसके हम रेड कलर से फिल करेंगे। अगर आप किसी और कलर का तिलक लगाना चाहते हो, वाइट कलर का, बीच में रेड करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो देखिए, इस तरह से यू की शेप में हम तिलक लगा देंगे। और अब हम शालिग्राम जी के जो होठ हैं वो बनाएंगे। और इसके लिए देखिए, मैं आपको ना ये सिंदूर का यूज़ करके दिखा रही हूँ कि आप इससे भी शालिग्राम जी का मेकअप कर सकते हो। देखिए, इस तरह से हमें स्टिक में ले लेना है ये कलर। और अब इसी से ही हम शालिग्राम जी का जो होठ हैं वो बनाएंगे। और इस तरह का मेकअप आप शालिग्राम जी का तुलसी विवाह पे कर सकते हो या वैसे भी कर सकते हो। आपके शालिग्राम जी बिल्कुल सिंपल हैं, मतलब उन पर कोई मेकअप नहीं हो रखा, तो आप इस तरह से मेकअप कर सकते हो घर पर बहुत ही आसानी से। तो देखिए, ये येलो कलर जो है वो सूख चुका है, उसके बाद मैं इसमें रेड कलर अंदर की तरफ फिल कर दूँगी। इस तरह से आप शालिग्राम जी का देखिए तिलक बना दीजिए। और अब हम ना इसी रेड कलर का यूज़ करके जो गालों पर जो डॉट्स बने होते हैं ना, दोनों गालों पर, मैं वो बनाऊंगी और बीच में मैं रेड कलर लूंगी और उसके चारों साइड वाइट कलर से हम डॉट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे बीच में एक एक डॉट लगा देती हूँ दोनों तरफ रेड कलर का ही। तो अब रेड कलर का काम हमारा ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम वाइट कलर लेंगे और वाइट कलर से जो भी मेकअप बचा है हम वो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, अब मैं वाइट कलर ले रही हूँ और देखिए इस तरह से ना, पहले मैं आईज़ के बीच में आई बॉल बना दूँगी।
आप किसी भी कलर के बना सकते हो, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड है आप किस कलर का मेकअप करना चाहते हो। मैंने आईबॉल वाइट रखी है, आप किसी भी कलर का कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे बीच में जो रेड डॉट लगा है ना, इसके चारों साइड पर हम इस तरह से वाइट वाइट डॉट लगा देंगे। तो इस तरह से मैं दोनों साइड पर डॉट लगा दूंगी और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इस तरह से देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने दोनों तरफ कर दिया है। अब मैं लास्ट में नीचे की तरफ एक डिज़ाइन सा बनाऊंगी इस तरह से, देखिए। और ये भी मैं वाइट कलर का ही बनाऊंगी। तो सिंपल से जो हमारे शालीग्राम हैं वो देखिए मेकअप करने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं। और बिल्कुल ही आसानी से आप कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने नीचे की तरफ एक डिज़ाइन सा बना दिया है और अब हमारे शालीग्राम जी का जो मेकअप है वो पूरी तरह से हो चुका है। तो अब हम इनको ड्रेस पहनाएंगे और ड्रेस पहनाने के लिए देखिए मैंने ये ना अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस ले ली है। और हमें ड्रेस इस तरह की लेनी है कि जो घेरे वाली और चोली अलग अलग होती है, तो हमें उसका घेरा ही लेना है। तो देखिए इस तरह से हम सिंहासन पर घेरे को रख देंगे ड्रेस के और बीच में हम शालीग्राम जी को बिठा देंगे। और इसके बाद हम शालीग्राम जी को हार पहनाएंगे। तो ये भी लड्डू गोपाल जी का ही हार है इसी ड्रेस से मैचिंग का, तो मैं यही पहना रही हूँ। तो आप लड्डू गोपाल जी के सामान से ही उन्हीं के श्रृंगार से शालीग्राम जी का भी श्रृंगार कर सकते हो। अब मैं इनके इयररिंग्स लगाऊंगी। ये इयररिंग्स देखिए, इनके पीछे मैंने थोड़ी थोड़ी वैक्स लगा दी है और ये बहुत इजीली यहाँ पर चिपक जाएंगे। और कितने प्यारे लग रहे हैं देखिए। और अब मैं इनको पगड़ी पहना दूंगी। तो देखिए पगड़ी पहना दी है मैंने और कितना प्यारा श्रृंगार हुआ है शालीग्राम जी का, कितने प्यारे लग रहे हैं शालीग्राम जी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, शालीग्राम जी का मेकअप कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।